हेलो स्टूडेंट्स सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेके आ रहे हैं सुपर ग्राट यूट्यूब चैनल पे वो कौन से कॉलेजेस हैं जो लो कॉस्ट एमबीए कर रहे हैं बट हाई दे रहे हैं अब इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आपको आयम्स नहीं मिलने वाले और अगर आएम्स नहीं मिलने वाले तो मेरे मेरा कुछ नहीं होता है कि क्यों ना इन कॉलेजेस में पढ़ा जाए बाकी कॉलेजेस में नहीं सो आंसर इज कंप्लीट नो अगर आपको चूज करना है इन कॉलेजेस में से और आई में से तो आपको आई चूज करना पड़ेगा और उस कॉलेज को उसकी रैंकिंग के प्रेफरेंस रैंकिंग के हिसाब से ही कायदे से चूज करना चाहिए बट दिस बिकम एन इफेक्टिव लिस्ट फॉर ऑल हु नॉट एक्चुअली अफोर्ड नॉट टेक एन एजुकेशन लोन थर्डली जो अपना एक ऑन्टरप्रिनशिप वेंचर बाद में जाके चालू करना चाहते हैं जिनकी फैमिली बिजनेस आज के टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है वो कुछ साल काम करने के बाद वापस अपनी फैमिली बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट टू डू द समथिंग फॉर देम ये एक अच्छी कॉलेज लिस्ट है जो आपको अच्छी सैलरी भी देगी बट एम बी ए लो कॉस्ट करवा रही है इंडिया में कौन कौन से कॉलेजेस हैं उनको डिटेल में समझेंगे इनफैक्ट वहां के प्लेसमेंट्स कैसे हैं किन पर्टिकुलर चीजों में प्लेसमेंट्स अच्छे देता है ये पर्टिकुलर कॉलेज पर उससे पहले अगर पहली बार आया उस पर्टिकुलर चैनल पे तो सब्सक्राइब किए मत मत जाना मैं देख रहा हूं काफी सारे स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट तो सब्सक्राइब करना बनता है लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है चलो लेट्स मूव अहेड सबसे पहले बात करते हैं एफएमएस दिल्ली के बारे में एक कॉलेज जो बहुत अच्छे पर है और है और रीजन उसके पीछे फी ऑफ द कॉलेज इज टू लाख रुपीज दूसरा ओवरऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है दिल्ली में वो बैठता कहीं छह से सात लाख के आसपास इन द पीरियड ऑफ टू ईयर्स टू ईयर्स में अगर जो खर्चा अगर आप बिठाओगे तो छह से सात लाख के आसपास का बैठेगा एवरेज प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो रेट इज थर्टी फोर पॉइंट वन लाख रुपीज पर एन एम सो एवरेज प्लेसमेंट बहुत ज्यादा फी कम अगर खर्चा भी मिला लेते हो साथ साथ भी तो

अगर आप दो लाख की फीस देकर सवा करोड़ का पैकेज लेके जाते तो उससे अच्छा क्या हो सकता है है ठीक चलो कुछ चीजें हमने देखी कि जो प्लेसमेंट पर आ रहे थे उसमें काफी सारे स्टूडेंट को कुछ बोनस अमाउंट भी मिल रहा है ई सॉप्स भी मिल रहे हैं सो उन चीजों को अवॉइड करना है काफी सारे स्टूडेंट्स को मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को गेटिंग यू नो वन टाइम बोनस अमाउंट ई सॉप्स जितने स्टूडेंट्स हैं वहां पर उनके रिव्यूज हमने वेबसाइट पढ़े तो वो चीज अगर हटा के भी देखा जाए तो भी एवरेज प्लेसमेंट समवेयर विल स्टैंड अराउंड 28 टू 29 लाख रुपीस पर एनम सो so, तब भी एफएमएस दिल्ली आरओआई के मामले में इंडिया में एक बहुत ही बेहतरीन इनफैक्ट नंबर वन कॉलेज कॉलेज में uh, है दिस इज फर्स्ट चॉइस फॉर ऑल इंडिविजुअल्स फॉर लुकिंग फॉर लो फी एंड हाई सैलरी कॉलेजेस नंबर टू इन द लिस्ट इज नन नाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई पे थोड़ी सी ऑन द सिक्स साइड 6.5 लाख रुपीस बट एवरेज प्लेसमेंट फेंटेस्टिक और सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस एवरेज प्लेसमेंट हाइएस्ट प्लेसमेंट और मीडियम प्लेसमेंट में नहीं दिखेगा प्लेसमेंट फिगर्स इन सिमिलर रेंज और ट्वेंटी एट लाख रुपीज यहां का एवरेज प्लेसमेंट गया था तो हाईएस वहां पर थर्टी फाइव पॉइंट सेवन फाइव लाख रुपीज पर एन एम गया है मीडियम प्लेसमेंट ऑल्सो स्टैंड वेरी वेरी क्लोज टू एवरेज प्लेसमेंट्स इंडिकेट्स यू नो की बहुत ज्यादा लो प्लेसमेंट होने के चांसेस नहीं है एक पर्टिकुलर नंबर पर स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल जाता है आपको फाइनेंस की कंपनीज आते हुए काफी दिखेंगी कंसल्टिंग की कंपनी काफी सारे स्टूडेंट्स कंसल्टिंग को आय करते हैं तो यहां पर जमनालाल बजाज में वो थोड़ा सा मामला ढीला है कोई एमबीबी कंपनी नहीं आ रही है हालांकि बिग आ रही हैं। बट फाइनेंस की तरफ ज्यादा झुकाव है मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा झुकाव है तो are, so, अगर आप फाइनेंस में कुछ करना चाहते हैं सडनली आगे जाकर तो जमनालाल बजाज दिस सैलरी एंड इनफैक्ट इट्स इन मुंबई सो ओन वैल्यू गाइस चलो

बट इट्स इक्वल टू एच आर और बेटर है कहीं से कहीं तक कम नहीं है टोटल फी की बात की जाए तो इट इज वन पॉइंट एट फाइव लैख रुपीज पर एन एम मुंबई में है कोशिश करी कि यार खर्चा बढ़त तो नहीं जाएगा कहीं ना कहीं तो हॉस्टल्स में लिमिटेड सीट्स है अगर आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा इवन लिविंग समवेयर आउटसाइड दैन यूट फाइन दैट यू नो ट्वेंटी का लिविंग एक्सपेंस हर महीने का आ रहा है that would be additional. टोटल फी अमाउंट और उसके बाद हाईएस्ट प्लेसमेंट की जाए तो मोस्ट कॉलेज इट कम इन इंडिया सो यू कैन टारगेट दिस पर्टिकुलर कॉलेज इफ यू रियली विश टू डू एंड मेक यू करियर इन द फील्ड ऑफ एच ठीक है नंबर थ्री नंबर फोर की अगर बात की जाए तो एस जी एम सोमले जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट आईआईटी मुंबई का आईआईटी बॉम्बे का एक बहुत ही फैंटेस्टिक विंग uh, uh, है जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एमबीए का एमबीए चला रहा है और शैलेष मेहता की फीस लगभग पंद्रह लाख के आसपास बैठ रही है आज के टाइम पर बट यहाँ का एवरेज पैकेज काफी स्ट्रॉग रहा इस साल ट्वेंटी एट लाख रुपीज फैंटेस्टिक अमाउंट और यहाँ पर हॉस्टल्स वगैरह सब अवेलेबल है तो ये कवर कर लेगा आपकी टोटल फी में तो एडिशनली आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई अंडरस्टैंड बाकी जितने थोड़ा सा ज़्यादा फी साइड है, बट एवरेज प्लेसमेंट साइड थोड़ा ज्यादा है इस चक्कर में आई हैव पुट इट ओवर देयर हाईएस्ट प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छे दे रहा है आसपास है और सबसे बेहतरीन चीज मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज की लग रही है कि 40 से 50 परसेंट स्टूडेंट्स को पीपीओ मिल ही जा रहा है सो so, अगर उनकी आप रिपोर्ट्स uh, चेक करोगे तीन चार साल की तो ये मुझे फिगर काफी अच्छा लगा, बिट डीपर पर्टिकुलर पार्ट एंड ऑपरेशन जाना माना कॉलेज so, अगर ये आप ऑपरेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं कंसल्टिंग बनाना चाहते हैं

फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मजा रहा है